ऐसे तमाम लोगों को अब सतर्क हो जाना चाहिए जो YouTube चैनल या सोशल प्लेटफॉर्म पर खुद को पत्रकार घोषित करके लोगों पर रोक गालिब करते हैं। अजमेर पुलिस ने अब ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की है। अजमेर जिले में जितने भी YouTube चैनल चल रहे हैं और ऐसे सभी लोग जो वैधानिक रूप से किसी मीडिया हाउस का हिस्सा नहीं है, अजमेर पुलिस उनके खिलाफ कार्यवाही की शुरुआत करने जा रही है। अजमेर SP को राष्ट्रदीप के अनुसार अवैध यूट्यूब चैनल और फर्जी पत्रकारों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद अब जिला पुलिस ने मीडिया हाउस और पत्रकारों के सत्यापन का काम शुरू किया है। इस अभियान के तहत ऐसे सभी फर्जी पत्रकारों और यूट्यूब चैनल को चिन्हित किया जाएगा जो समाज के लिए खतरा बने हुए हैं। अजमेर SP ने दावा किया है कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ पुलिस बहुत जल्दी ही कानूनी कार्रवाई की शुरुआत करेगी। सर, आज कार्रवाई चल रही है लगातार, जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल है, किस बेसिस पे उनको हटाने का या बंद करने का है, प्रावधान क्या होना चाहिए? देखिए, असली मुद्दा यह है कि कुछ लोग खुद को क्लेम करते हैं कि वो पत्रकार हैं या फिर वो किसी मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, जबकि वास्तव में उनके बारे में ऐसी जानकारियां आती हैं कि वो किसी भी रजिस्टर्ड मीडिया ग्रुप के सदस्य नहीं हैं। ऐसे लोगों ने कई जगह पर YouTube चैनल्स बना रखे हैं और वो एक पत्रकार के रूप में लोगों पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि काफ़ी शिकायतें हमारे पास आना शुरू हो गई। उसी को ध्यान में रखते हुए हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो कि पत्रकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन लोगों को यदि उनके पास कोई भी पत्रकारिता का अनुभव है या पत्रकारिता का कोई उनके पास में प्रमाण पत्र है या वो किसी ऐसे ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं जिसके पास मीडिया हाउस के रूप में रजिस्ट्रेशन है, तो वो काम कर सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास में कोई भी इस तरह का दस्तावेज नहीं है जो उन्हें पत्रकार के रूप में काम करने की अनुमति देता हो, यदि वो फिर भी खुद को पत्रकार क्लेम कर रहे हैं, केवल सोशल मीडिया पर एक चैनल बना करके खुद को पत्रकार के रूप में लोगों के सामने रख करके तरह तरह की किसी तरह की गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको छांटने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई लोग हमें मिलते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए।